नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले जो आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीस और एस्केलमिंथीस, इन सब में जनरल बॉडी सरफेस द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ही हैं। एनिडा से पहले के सारे प्रोटोजोआ से लेकर एस्केलमिंथीस तक सभी में जनरल बॉडी सरफेस द्वारा रेस्पिरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया है वो बॉडी वॉल्यूम से अधिक होता है, इस कारण जनरल बॉडी सरफेस द्वारा इनका रेस्पिरेशन हो जाता है। एनिलिडा जो है, संघ एनिलिडा, इस फाइलम में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है और इसके द्वारा ही CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में तीन प्रकार से रेस्पिरेशन पाया जाता है। पहला है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल सिस्टम द्वारा रेस्पिरेशन, फिर बुक लंग द्वारा, और तीसरा है बुक गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो होता है वो इंसेक्ट में पाया जाता है। बुक लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टर्माइट्स में पाया जाता है। स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टर्माइट्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल आर्किनिडा के एग्जाम्पल हैं। टेरेस्ट्रियल आर्किनिडा के एग्जाम्पल हैं, बुक लंग्स होता है इनमें। और बुक गिल्स जो होते हैं वो ल्यूमुलस में पाया जाता है, और ल्यूमुलस जो है वो एक्वेटिक आर्किनिडा का एग्जाम्पल है। तो आर्किनिडा में बुगल्स और बुक लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन होता है। जो टेरेस्ट्रियल आर्किनिडा हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टर्माइट्स, उनमें बुक लंग्स द्वारा, और जो टेरेस्ट्रियल आर्किनिडा हैं बुगल्स, उनमें बुक गिल्स द्वारा, जैसे कि ल्यूमुलस। मोलस्का फाइलम में, फाइलम मोलस्का में, जिसे हम एम्फीबियन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एम्फीबियन और इन्वर्टिब्रेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाटर में और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार की लाइफ जीते हैं। इसलिए इनमें दो प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, एक तो बुगगिल्स द्वारा, एक तो गिल्स द्वारा, जिसे हम टिनिडियल रेस्पिरेशन कह सकते हैं या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ये एक्वेटिक एडेप्टेशन के लिए एक्वेटिक एडेप्टेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये गिल्स द्वारा होता है। गिल्स को हम कहते हैं टिनिडियल रेस्पिरेशन या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। दूसरा पल्मोनरी सैक द्वारा होता है। पल्मोनरी सैक हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें मेंटल कैविटी में जो फोल्ड्स होते हैं उनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है, फोल्ड्स ऑफ मेंटल कैविटी। और ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, ये एक प्रकार का टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से इसमें रेस्पिरेशन होता है, गिल्स द्वारा, पल्मोनरी सैक या फोल्ड ऑफ मेंटल कैविटी द्वारा। इसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम में डर्मल ब्रैंकिया द्वारा रेस्पिरेशन होता है। हेमिकॉर्डेटा जो है फाइलम, इसमें रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल अंग नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार रेस्पिरेशन का एवोल्यूशन हुआ है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स में फिशेस आती हैं, एम्फीबिया आते हैं, बर्ड और रेप्टाइल्स, एवीस और मैमल्स आते हैं। ठीक है, तो जो फिशेस हैं इनमें गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जिसे हम टिनिडियल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। गिल्स दो प्रकार की होती हैं इसमें, एक तो एक्सटर्नल गिल्स द्वारा होता है रेस्पिरेशन और इंटरनल गिल्स द्वारा होता है। एक्सटर्नल गिल्स द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है वो कार्टिलेजियस फिशेस में होता है और साइक्लोस्टोम्स में होता है। कार्टिलेजियस फिशेस कौन सी होती हैं? जिनमें जो बोन्स हैं वो हड्डियों कार्टिलेज की बनी हुई बोन्स होती हैं। जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल गिल्स द्वारा हो गया किसमें? कार्टिलेजिनस फिशेस में और साइक्लोस्टोम्स में। जबकि इंटरनल गिल्स द्वारा जो होता है वो बोनी फिशेस में होता है, टीलियोट्स में होता है। ठीक है, तो फिशेस में दो प्रकार से गिल्स दो प्रकार के हो गए, एक्सटर्नल गिल्स और इंटरनल गिल्स। एम्फीबिया जो होते हैं इनमें तीन प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल गिल्स,
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल गिल्स द्वारा जो होता है वो टैडपोल्स में होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मॉइस्ट बॉडी सरफेस द्वारा फ्रॉग में पाया जाता है जब वो एक्वेटिक एडेप्टेशन होता है, इसमें ये पानी में होता है तब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। इसके जब वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन उसके अंदर पाया जाता है फ्रॉग में, एम्फीबियंस में पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, ये लंग्स द्वारा होता है। तो इस प्रकार एम्फीबिया में तीन प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, एक्सटर्नल गिल्स द्वारा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन द्वारा और पल्मोनरी रेस्पिरेशन द्वारा। रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स जो होते हैं इन तीनों में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है बाय लंग्स, तो लंग्स द्वारा इसमें रेस्पिरेशन पाया जाता है रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स में। इस प्रकार आज हमने देखा कि रेस्पिरेशन सिस्टम जो है किस प्रकार इसका एवोल्यूशन हुआ है, प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक किस प्रकार इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में एवोल्यूशन हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।